देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी गुलामी से मुक्ति के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर 75 वर्षों के स्वराज में देश के अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी कितना खुशहाल हुआ। सवाल ये है कि इन 7 दशकों की स्वतंत्रता में कितने गरीब गुरबों को 2 जून की रोटी मिल पाई है। इसका जवाब सड़क और फुटपाथ पर रहने वाले इन सैकड़ों हिंदुस्तानियों की हालत से लगा सकते हैं। शायर लुधियानवी का शेर है कि चीनो और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। हिंदुस्तान के जिस गली कूचे और गांव कस्बे में देखेंगे तो मेहनत कश इंसानों की यही हालत नजर आती है। इमारतें बनाने वाले, सफाई करने वाले और इस तरह बांस के सामान बनाकर हम सब की जरूरतें पूरी करने वाले लोग बेहाल हैं। मेहनत ना हो तो एक दिन भी चूल्हा न जले। यहाँ बच्चे छटाक भर दूध के लिए तरसते हैं और माँ बाप एक अदद छत के लिए तरसते हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। दशक बदले हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन इनके हालात और इनकी बदहाली का आलम नहीं बदला है। तो सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मला राहायची सोई नाही आहे, पाण्याची सोई नाही, इथं राशन वाले देत नाही, गरीब लोकांना काय भेटते आम्हाला, इथं राहायची तर मुश्किल आहे, तर मुसीपाडी लोक येतात, आम्हाला काय तर सोय करा ना, राहायची सोय करा, राशनची सोय करा। तो बहुत करते, हमारे को कुछ मिलता ही नहीं, ये टोकरी बनाना, घर का खाली घर चलाते, खाना पकता, इतना पैसा मिलता है, धंधा भी नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा तो और भी बहुत बेकार हाल है। हम लोग गरीब लोग है, कोई देखभाल कर रहा नहीं है, हम लोग काम करते हैं और बच्चे लोग का पेट भरते हैं और हमारे लिए कुछ हो रहा नहीं है। इतने इतने साल से ऐसे के ऐसे गरीब के गरीब ही रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।